नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो ठीक है। तो ये बाइक से जाते हो या कैसे, मेट्रो जाते हो ऑफिस, कितना? बाइक से अच्छा जाता हूँ सर। बाइक से जाते हो, तो 48 45 किलोमीटर, मिनट लगते हैं 50 अराउंड। किलोमीटर 58 सेक्टर 58 नोएडा। सेक्टर 58 नोएडा। और मेरा है सेक्टर 58 गुड़गांव। दोनों 58 कॉमन एक हाँ चीज है 58। ठीक है। तो मैं फाइंड और रिप्लेस के बारे में अभी बात कर रहा हूँ। ओके हेलो, हाँ हाँ आवाज आ रही है लेकिन बोल। हाँ, तो फाइंड की बात कर रहा हूँ। तो हम लोग कंट्रोल एफ है ना करते हैं ऐसे, वहां हाँ फाइंड पे करने के कुछ लिए। कुछ सर्च सर्च करना होता है तो हम लोग कंट्रोल एफ करते हैं। जी तो वही चीज यहाँ पे है कि हमें क्या सर्च, क्या करना। सर्च है करना है। अब मान लो यहाँ पे मुझे दिल्ली फाइंड फाइंड करना है, दिल्ली। तो जहां जहां सॉरी, तो जहां जहां ना दिल्ली, वहां वहां कर्सर मूव जाएगा करेगा। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो ये सब दिल्ली का लिस्ट दिखा देगा कि किस किस सेल पर है। ये है ना सेल, है सेल का एड्रेस और यहाँ पे क्या क्या वैल्यू है। ठीक जी। है, अच्छा तो ये दिखाता है दिल्ली। अब यहाँ पर सॉरी सॉरी, यहाँ पर एक ऑप्शन है सीट। सीट का मतलब अगर इस टाइम मैं क्लिक करूंगा तो केवल इस सीट पर रहेगा दिल्ली, उसको दिखाएगा। लेकिन अगर मैं वर्कशीट कर दूंगा तो इस एक्सेल में जो 4, 5 या 2 जितना भी सीट रहेगा उस सब पर जहां 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 रहेगा उसको दिखाएगा। अच्छा ये अलग अलग सीट पर दिखाएगा। देखो ये अच्छा सीट 1 का है ना, दिखा रहा है ना, तो ये उस हाँ सब का वो तो दिखाएगा कि कहाँ पे है। है। अच्छा सर, एक चीज नहीं हो सकती इसमें, जैसे ये जो कंट्रोल है हमने दिल्ली किया है, अगर इसको फॉर्मेट करना हो तो कोई कलर हो सकता है उसमें जहां जहां दिल्ली लिखा हो। हाँ अभी मतलब आप कह रहे हो कि जहां जहां दिल्ली लिखा है उसको आपको कलर करना है। हाँ कोई कलर हो जाए, आइडेंटिटी हो जाए, हाँ तो ऐसा कुछ। देखो मैं करता, अभी मैं वर्कशीट पर किया, हाँ शो जहां जहां दिल्ली आ कर गया सब यहाँ पे आ गया, सेलेक्ट हो गया। रहा। यहाँ पे जाके कंट्रोल ए कर दो, कंट्रोल ए मैंने कर दिया, देखो पीछे हाईलाइट हो गया। यहाँ पे जाके क्लिक कर दो, हो गए। हेलो, हाँ हाँ बस, जी हाँ, तो ऐसे ही करते हैं। तो और अगर हम शिफ्ट करेंगे तो इस ऐसे शिफ्ट, दोबारा अरे करना था सर, भाई दोबारा करने को। वीडियो तो बन रही है दोस्त, फिर देखोगे नहीं क्या? अच्छा, हाँ ठीक ठीक है। और यहाँ पे अगर वर्कशीट कर देंगे तो इस फाइल में जहां जहां रहेगा दिल्ली, अरे मैं सुन रहा, महेश, म्यूट हाँ करना थोड़ा। महेश म्यूट कर लो यार, तुम्हारे साइड से बहुत साउंड आ रहा हाँ है। कितने बच्चे रखे हुए महेश, गली मोहल्ला के भी सवार रखे हैं क्या? नहीं, बच्चे का तो आवाज ही नहीं आ रहा है। तो फिर मैडम क्या रही है फिर? अरे नहीं, बच्चों की आवाज है सर। ठीक है, तो ये हो गया सीट। एक है सीट, ये रो, ये क्या करता है, अगर हम जैसे कुछ सर्च करते हैं ना तो बाय रो और बाय कॉलम, तो वो क्या करता है, पहले इसको सर्च करेगा फिर इस पर करेगा, या फिर पहले कॉलम वाइज करेगा फिर ये ऐसे करेगा फिर ऐसे करेगा। तो हम इसके लिए इसको यूज करते हैं, बाय रो बाय कॉलम, लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ठीक है, उसके अलावा थर्ड है लुक इन, लुक इन है, लुक इन में 3 है।
फॉर्मूला वैल्यू और कमेंट। अगर मैं कमेंट की बात करूं और यहां पे मैंने यहां पे एक कमेंट मैंने डाला और यहां पर लिख दिया दिल्ली, क्लियर, और मैंने F5 किया, मैंने कंट्रोल F किया और मैंने कमेंट को फाइंड किया, तो ये बताएगा कि कमेंट में कहां कहां दिल्ली है, दिल्ली कमेंट के अंदर, जबकि दिल्ली है ना यहाँ पे, लेकिन इसको ये नहीं दिखाएगा, क्लियर, जहां पर है कमेंट उसको दिखाएगा, जहां पे कमेंट में है दिल्ली उसको दिखाएगा। एक है वैल्यू और फॉर्मूला, यहाँ पर है वैल्यू और फॉर्मूला, यहाँ पे मैंने MY लिखा हुआ है, यहाँ पे माई हाउस लिखा हुआ है, यहाँ इस सेल से मैंने फॉर्मूला के द्वारा MY निकाला हुआ है और यहाँ पर भी MY अंदर लिखा हुआ है। तो जब मैं इसको क्लिक किया और कंट्रोल F किया और मैंने वैल्यू डाला, और मैंने MY फाइंड किया इस सिलेक्शन में, सिलेक्शन का मतलब है कि हम जो सिलेक्ट किए थे अभी वो इसी में सर्च करेगा और जगह नहीं सर्च करेगा। अच्छा, तो अभी जब मैं ये कलर करूं तो इस तीन को किया है सिलेक्ट, ठीक है, तो मतलब अगर जहां पे रहेगा MY उसको दिखा देगा, यहां पर भी माय हाउस है इसको भी दिखा दिया, और यहां पे अगर आउटपुट में माय आउटपुट के बाद MY आ रहा है तो भी दिखाया है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला में है MY तो इसको उसने नहीं दिखाया है, क्लियर हो गया? ठीक है सर, वहाँ फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू को दिखा रहा है। हाँ, वैल्यू को दिखा रहा है। अब है फॉर्मूला और ये सेम सिचुएशन है यहाँ पे, और यहाँ पे कंट्रोल F किया और यहाँ मैंने कर दिया फॉर्मूला और फाइंड ऑल, फाइंड नेक्स्ट मतलब एक एक करके दिखाएगा, अब फाइंड ऑल करेंगे तो एक साथ दिखाएगा सारा। अब मैंने जब इस पर क्लिक किया तो इसने इसमें भी दिखाया MY, यहाँ भी दिखाया, लेकिन यहाँ फॉर्मूला के यूज करके जो आउटपुट निकला है वो है MY, इसको इन्हें दिखाया, लेकिन यहाँ फॉर्मूला के अंदर है MY तो इसको इसने दिखा दिया। Okay. तो हम जिस डाटा पर काम करेंगे और उससे उस समय जो रिक्वायरमेंट होगा उस पर हम इसके अनुसार चेंज करेंगे कि हमें क्या चाहिए, क्लियर। एक है मैच केस, इसको बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फॉर्मूला होता होगा। एक है मैच केस, मैच केस क्या करता है, केस मतलब केस, मैच केस, केस मतलब सेंसेटिव, जैसे यहाँ पर लिखा मैंने राजा और यहाँ पर लिखा राजा, तो ये दोनों इक्वल होंगे, इक्वल है, हाँ सर इक्वल है, लेकिन ये केस सेंसेटिव नहीं है, सॉरी केस सेंसेटिव मतलब कैपिटल के लिए एक्सेल केक होता है फॉर्मूला एग्जैक्ट, जो मैं बाद में बताऊंगा, एग्जैक्ट में अगर इसको और इसको लूंगा तो एग्जैक्ट में फॉल्स दिखा रहा, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा ट्रू, तो ये दोनों इक्वल है, मतलब यहाँ भी राजा है यहाँ भी राजा है, लेकिन एग्जैक्ट बताता है कि कैप्स स्मॉल को भी वो देखता है, तो यहाँ पे ये फॉल्स दिखा रहा है, तो ये है केस सेंसेटिव। अब यहाँ पे लिखा हुआ दिल्ली, मैंने यहाँ पर लिखा दिल्ली और मैंने यहाँ पर लिखा दिल्ली, अगर मैं सिंपल दिल्ली फाइंड करूंगा यहाँ पे स्मॉल कैपिटल कुछ भी लिखूंगा तो ये सब पर जाएगा कर्सर, क्लियर, लेकिन इसको अगर मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा दिल्ली तो कैप्स में कंप्लीट जहाँ होगा दिल्ली उसी को दिखाएगा, बस एक को दिखा रहा है, मैं इंटर मार रहा हूँ, केवल एक को दिखा रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर करता हूँ दिल्ली तो देखो दो ही को दिखा रहा है, इस दोनों को नहीं दिखा रहा, जबकि ये दोनों भी है ना,
लेकिन ये मैंने मैच कैश कर रखा है इसलिए। एक है मैच इंटायर सेल कंटेंट, इसका मतलब है कि पूरा सेल में, जैसे यहाँ पर लिखा हूं मैंने माय सिटी इज दिल्ली और यहाँ पर है दिल्ली, अगर मैं उसको क्लिक कर दूंगा कंट्रोल एफ करके, अगर मैं इसको क्लिक कर दिया और जो मैं फाइंड करूंगा वो पूरा सेल में अगर मिलेगा तो दिखाएगा। देखो एक एक ही जगह, जबकि है ना दिल्ली यहाँ पे, लेकिन इसको नहीं दिखा रहा क्योंकि यहाँ पे मैच इंटायर सेल कंटेंट, मतलब जिस सेल में पूरा का पूरा वैल्यू यहाँ वाले वैल्यू से जो इक्वल होगा उसी को दिखाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लिखा दिल्ली, यहाँ पर लिखा दिल्ली, और मैंने इसको कर दिया बोल्ड और इसको कर दिया पीला और इसको कर दिया ऐसे। अब मैं इसमें कह रहा हूं अगर सिंपल दिल्ली फाइंड करूंगा और इसको अनचेक कर दूंगा तो देखोगे बारी बारी से, सॉरी सारा दिखा रहा है, बारी बारी से हर जगह कर्सर मूव हो रहा है ना। हाँ सर, यहाँ मैं ऑप्शन हटा दिया, ये बारी बारी से हर जगह हो रहा मूव, लेकिन मैंने इसमें कहा कि उस दिल्ली को फाइंड करना है जो बोल्ड हो, इसमें से केवल है ये एक बोल्ड, तो हम कंट्रोल एफ करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फॉर्मेट में जाके ये सब तो बता रखा हूँ, याद है ना, इसको मैंने बोल्ड कर दिया और मैं फाइंड करूंगा। इटैलिक किया सर आपने वहां पे, इसलिए रहूंगा। क्या नहीं किया, इटैलिक किया है ना सर आपने, फॉर्मेट बोल्ड किया, इटैलिक कर दिया। ओके 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 ओके, अभी देखो एक ही दिखा रहा। हाँ, तो ये चीज होता है डिपेंड कि हम क्या सर्च करना पड़ते हैं, जिस हिसाब से सर्च करेंगे। और मैंने कहा जो हो गया ये फाइंड का क्लियर, अब इसी सारे ऑप्शन है सर इसके अंदर। हाँ सारे, इसी का उल्टा है, उसी के साथ एक होता है रिप्लेस। अब जो दिल्ली बोल्ड है, जो दिल्ली बोल्ड है उसको राकेश कुमार से, राकेश से रिप्लेस करो और उसमें राकेश को कलम ये कर देना ऐसा और इसको कर देना बोल्ड इटैलिक और साइज कर देना 20 और कलर कर देना लाल। क्लियर, तो अब इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। देखो मैंने किया रिप्लेस ऑल, क्लियर, जो मैंने सर्च किया और उसके बदले क्या चाहिए मैंने डाल दिया। ठीक है, तो ये रिप्लेस कंट्रोल एफ करेंगे तो ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ऐसे आता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ऐसे आता है, ऑप्शन क्लिक करोगे तो ये सब आएगा, लेकिन जब इसको करना तो ये क्लियर कर देना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऐसा होता नहीं है, या फिर कभी कभी इंटरव्यू में चेक करने वाला ना ये करके और यहाँ करके छोड़ देता है, तो आपको नहीं लगेगा पता कि क्या हो रहा है। एक बार यहाँ पे देख लो कि क्या ये उन्होंने कर तो नहीं रखा कुछ चला के। तो ये फाइंड में ये काम होता है, कंट्रोल एफ से फाइंड होता है, कंट्रोल एफ से रिप्लेस होता है। अब मैं यहाँ पर आऊंगा तो रिप्लेस का मतलब समझ गए। अब मैं इसको कर देता हूँ क्लियर और इसको कर देता हूँ क्लियर। रिप्लेस में ये सब वही काम करेगा जो इसको फाइंड करता था, तो जहां जहां सेल दिखाता था, और रिप्लेस करेगा उसको इसी से रिप्लेस कर देगा। बाकी सब कुछ उसी उसी सेल पर होगा जहां जहां उसको फाइंड करता था। क्लियर,
अब यहाँ पे नाम है, कुछ नाम लिखा हुआ है ना जी, नाम लिखा हुआ है। अच्छा, और इसको मुझे लास्ट में हाइपन के बाद सबको हटाना है, तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया और यहाँ पे कंट्रोल एच किया और मैंने कहा कि कॉमा स्टार को ब्लैंक से कर दो। तो कुमार मोहन में जो कॉमा है उसके बाद जो कुछ भी है उसको हटा दो, स्टार मतलब हटा दिया। देखो ये स्टार मतलब होता है ए से शुरू होने वाला, ए स्टार मतलब ए से शुरू होने वाला, और स्टार ए मतलब किसी से भी शुरू हो लास्ट में ए हो, और स्टार ए स्टार मतलब किसी से भी शुरू हो किसी से भी खत्म हो लेकिन बीच में कहीं भी ए हो, ठीक है। और इसका मतलब तीन करेक्टर कुछ भी, और इसका मतलब तीन करेक्टर का वर्ड लेकिन ए से स्टार्ट हो। ओके क्लियर। अब मैं इस पेज पर आऊं और मैं यहां पे कहूं कि जैसे यहां मैंने लिखा HTC और यहां पे लिखा दिल्ली, यहां पे लिखा माउस, यहां पे लिखा पेन, यहां पे लिखा बुक, और इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसमें मैंने बोला कि तीन करेक्टर वाले वर्ड फाइंड करो, तो तीन बार मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। नहीं सॉरी, इस पे नहीं काम कर रहा है तो HTC पेन नहीं, इसमें सबको काम कर रहा है, यहाँ पर एक यहाँ पर ये नहीं काम करेगा, इस पे नहीं काम करेगा, यहाँ पे गलत बैठ रहा है, मैं जा रहा हूँ, ये चीज होगा नहीं होगा, यहाँ पे एक काम नहीं होगा। सॉरी, यहाँ पे नहीं काम कर रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, ये चीज यहाँ पे काम नहीं करते, फिल्टर पर काम करेगा, इस पे नहीं काम कर रहा, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये है सेम, इसको मैं कर रहा हूँ रिप्लेस करो एक्स वाई जेड, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे, स्टार और कोमा को रिप्लेस कर दो ब्लैंक से, मतलब किसी भी चीज से स्टार हो लास्ट में कोमा हो उसको ब्लैंक कर दो रिप्लेस से, तो रिप्लेस ऑल हटा दिया। तो हम लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे है, यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि इसमें रिप्लेस करना है तीन करेक्टर वाला है ना, ये देखो एट द रेट से पहले है ना यहाँ पे, या फिर ये 577 है, 604 है, तो ऐसे के जो तीन करेक्टर है उसको 1 2 3 4 5 पांच स्टार से रिप्लेस कर दो। देखो पहला को किया, दूसरा, तीसरा, रिप्लेस ऑल कर देंगे तो सबको कर देगा, लेकिन मैंने इतने को सेलेक्ट कर रखा था इसलिए इसी को किया है, इस पे नहीं किया है। क्लियर? ठीक है। ये टिल्ट वाला काम नहीं करता, ये गलत है, ये हटा रहा हूँ, ये काम नहीं करता। हो गया, फाइंड रिप्लेस का समझ में आ गया असम? ठीक है। अब मैं बात करता हूँ फिल्टर का। फिल्टर क्या होता है, जैसे एक सेकेंड, फाइंड रिप्लेस हो गया तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ। फिल्टर है डाटा, ठीक है,
एक हमारे पास डाटा है। अब फिल्टर करना हम क्या करते हैं, तो हमने हम कुछ बोलते हैं जैसे अब यहाँ पे अगर मेरा रिक्वायरमेंट ये हो गया कि जनवरी महीने के न्यू दिल्ली वाला डाटा को फिल्टर करो या हाँ या फिर हरियाणा का फिल्टर करो, तो हम फिल्टर लगाएंगे, स्टेट पर जाएंगे, यहाँ पे हरियाणा चूज कर लेंगे और यहाँ पर जाएंगे जनवरी चूज कर ले, सॉरी मैंने संडे मंडे कर दिया, तो मान लो मैं मंडे कर दिया, तो इतना डाटा है। अगर मैं इसको फिल्टर करके कहीं और लेके जाऊंगा तो देखो ये इसमें हरियाणा स्टेट आ रहा और मंथ ये मंथ इसको डे कर रहा हूँ, ये आ रहा है डे, क्लियर। तो हम लोग ये फिल्टर यूज करते हैं जब रिक्वायरमेंट होता। अब जैसे यहाँ डेट पर है 2020 का भी डाटा है, 19 का भी डाटा है, तो मैंने कहा 2020 का हरियाणा का HTC कर लो, तो फिर यहाँ पर जाओ, पहले मैंने बोला था 2019 तो 19 ले लो, यहाँ पर जाओ हरियाणा ले लो और यहाँ पे HTC ले लो, इतना डाटा है, क्लियर हो रहा है। ठीक है वो ये हमारी रिक्वायरमेंट होगा। कंट्रोल शिफ्ट एल से फिल्टर आएगा और कंट्रोल शिफ्ट एल से फिल्टर हटेगा, कंट्रोल शिफ्ट एल। तो अगर आप कर्सर इसमें कहीं पे रख लो और यहाँ पर भी जाके शॉर्ट फिल्टर करके यहाँ फिल्टर कर सकते हो, देखो ये आ गया या फिर ये है ना डाटा, यहाँ पर भी जाके फिल्टर कर सकते हो। अच्छा ठीक है, और ये राइट क्लिक में भी आता है, राइट की क्लिक में भी आता है, और जो ये चीज जो आ रहा फिल्टर लगाने का, कंट्रोल शिफ्ट एल से हट रहा है और आ रहा है, देख रहे हो। और अगर मैं यहाँ पे जाके ऐसा करता हूँ, तो अभी मैंने कुछ चीज का फिल्टर लगाया हूँ, तो आप देखोगे तो यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया है, अच्छा ब्लू हो गया ना, ये आइडेंटिफाई करता है कि हमें इसमें फिल्टर लगा रखा है हमने। अच्छा अच्छा अच्छा, ये साइड का ये सीरियल नंबर से कलर हो जाता है। हाँ, कलर हो जाएगा। ये सब में होता होगा सर? सब एक्सेल में होगा, लेकिन जैसे ही इसका फिल्टर हटाऊंगा फिर इसका कलर अपने जो पूर्व स्थिति था उसमें आ जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, तो फिल्टर में ये चीज हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊं फिल्टर में, यहाँ से भी फिल्टर कर सकते हैं, देखो इक्वल टू मैंने कहा सन, तो जो सन SUN वाला आ गया फिल्टर, तो इन्हें ना आपको बताया था क्या ये फिल्टर वाला? नहीं सर, फिल्टर वाला तो पता है। Not equal to, तो Sunday, SUN छोड़ के बाकी सारे। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करोगे देखो अभी SUN छोड़ के आ गया सारे। हाँ। फिर क्लिक करोगे बिगेन विथ, तो मैंने कहा टी से स्टार्ट, तो देखो यहाँ पे टी से स्टार्ट वाला हो गया। सही है, इसको हम टीस बिगिन विथ एंड विथ, मैंने एंड विथ कहा है जिसमें एंड में थी एन, देखो जो जो एन से स्टार्ट सॉरी एन से लास्ट हो रहा end है वो आ रहा है, हो रहा कंटेंट मैंने कर दिया एस, मतलब इसमें कहीं भी एस हो, देखो अच्छा। जिस में एस है वो आ रहा है। हाँ ठीक है, है ना, अगर मानते हो कंटेंट ई कर दूं, ई वाला, ये ऐसे भी कर सकते हो आप, यहाँ पे जाकर भी आर,
बस देखो इसमें आ रहा है वो आ रहा, क्लियर? 10 मिनट में फिर ये बंद होगा। फिर कोई बात नहीं, इतना काफी सर आज के लिए, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन है वो समझने हैं। अरे भाई घबरा गए, घबराना नहीं है सर, फिर वो छूटता जाएगा ना। अच्छा ठीक जाएगा ना बीच में, फिर ठीक है। फॉर्मूला नहीं छोड़ना चाहता सर कोई भी। अरे भाई फॉर्मूला में भगाऊंगा ही नहीं, मैं भगाऊंगा ही नहीं। आज जो मेरा ये फिल्टर वगैरह दिखा रहा हूँ, इसको आप किसी भी टाइम वीडियो देख के आप देख सकते हो, लेकिन फॉर्मूला पर तो आप टाइम देना ही पड़ेगा। ठीक है, कह रहा हूं, ये तो कोई बात नहीं। और मैं जो बोलूंगा वो चुनावी वादे नहीं है, उसको मैं पूरा करते हुए जाऊंगा। मुझे वैसे टाइम की दिक्कत नहीं है, 2-4 महीने 6 महीने, बट मैं जो चीज सीख रहा हूँ ना वो फिर गड़बड़ नहीं होती बाद में पता लगा। तो असम जी एक चीज याद रखना, ये जोश कंटिन्यू रखना, ठीक है? जोश ठंडा मत होने देना। अरे नहीं सर ठीक है, इट डज नॉट कंटेंट, टी कर दिया, जिसमें टी नहीं है। देखो जिसमें टी नहीं है उसको दिखा रहा है, तो ये आ गया। उसके बाद कस्टम, इसके अलावा और ये चीज सब कभी जो टाइप किए हम यहां से भी टाइप कर सकते हो, टी स्टार, मतलब टी से शुरू होने वाला स्टार टी, किसी से शुरू हो लास्ट में खत्म हो, ए स्टार ए, कहीं भी ए हो, क्लियर? हाँ, यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें कोई और चीज की रिक्वायरमेंट होगी तो हम यहाँ पर एक ऑप्शन है कस्टम फिल्टर, यहाँ पर। हाँ राकेश जी, हाँ बोलो बोलो राकेश, हाँ बोलो बोलो। हाँ एक अभी की स्टार ए स्टार, तो बीच में ए हो उसी को नहीं, स्टार ए स्टार मतलब उसमें कहीं भी ए हो, लास्ट में हो, बीच में हो या स्टार्ट में हो, केवल ए को फाइंड करेगा वो, कहीं पे भी होगा तो। जहां पे कहीं भी ए हो उसको दिखाएगा। देखो अच्छा ठीक, आर स्टार मतलब आर से शुरू हो या अकेले आर हो और किसी से खत्म हो, लेकिन आर से स्टार्ट होने वाला। हाँ। स्टार आर मतलब आर से खत्म होने वाला, और आर स्टार स्टार आर स्टार मतलब कहीं भी आर हो, शुरू में हो, बीच में हो, लास्ट में हो, कहीं भी हो, क्लियर? अच्छा ठीक। अब यहाँ पर है कस्टम, कस्टम फिल्टर में है। अब मुझे इसमें दो को आवश्यकता पड़ गया, संडे और फ्राइडे, तो मैंने यहाँ पे चूज किया इक्वल टू सन या इक्वल टू फ्राइडे। अब देखो इसमें संडे और फ्राइडे वाला दिखा रहा, क्लियर? तो इसको हम वहां ने करके हम यहां से भी कर सकते हैं फ्राइडे और संडे। कस्टम में हम अपने उस, हाँ बिल्कुल। अब मैं इसमें अगर बोलूंगा कस्टम में स्टार्ट विथ बिगिन विथ, है ना, सॉरी बिगिन विथ टी और बिगिन विथ एस, तो टी और एस से, और देखो यहाँ पर ले रहा हूं और एंड होगा तो वो दोनों खोजेगा, अगर मैंने एंड किया तो ब्लैंक दिखाया, क्यों? क्योंकि ऐसा सेल कोई नहीं है जो कि टी से भी स्टार्ट हो और एस से भी स्टार्ट हो। अच्छा नहीं ना, तो इसलिए एंड एंड वहां काम नहीं किया, तो यहाँ पे मैंने और किया था, तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा, क्लियर? हाँ तो ये हो गया, तो स्टार्ट विथ। अब देखो यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिखा रहा, लेकिन अमाउंट पर जाओगे तो कुछ और दिखा दिया,
इज ग्रेटर देन लेस देन, लेकिन ये टेक्स्ट में तो आएगा नहीं. तो यहाँ पे अब यहाँ पे किया मैंने ग्रेटर देन 3500, यहाँ पे देखो 3500 से ऊपर दिखा रहा. और यहाँ पे कस्टम में गया और मैंने कहा इज लेस देन, कहे इज ग्रेटर देन 3000 एंड इज लेस देन 4000. तो ये 3000 से लेकर 4000 के बीच वाला दिखाएगा. हाँ. और लेकिन मैं अगर मैं और कर दूंगा तो ये 200 भी दिखा सकता है, क्योंकि जो 200 होगा वो 4000 से कम है और जो 8000 होगा इससे, तो मतलब फर्स्ट वाला मैच करे या सेकंड वाला को एक मैच करे. लेकिन जब मैं एंड करूंगा तो दोनों मैच करेगा तब हो जाएगा. तो यहाँ पे देखो 3000 से लेकर 4000 के बीच का वैल्यू दिखा रहा. क्लियर? हाँ क्लियर क्लियर. तो ये तो हो गया अमाउंट का, इस हिसाब से दिखाता है बिटवीन, वही चीज कर सकते हो. अब मेरा कर्सर जा रहा है डेट पर. अब डेट पर देखो और आ गया इक्वल बिफोर आफ्टर बिटवीन बिफोर किस डेट का. देखो यहाँ पे डेट भी आ गया, किस डेट से पहले, किस डेट के बाद, टुडे टुमारो यस्टरडे नेक्स्ट वीक दिस वीक लास्ट मंथ लास्ट ईयर लास्ट क्वार्टर सब कुछ है. उसके बाद कस्टम भी है, अगर इससे मन नहीं भरता इसके बाद भी अगर पूरा नहीं होगा तो हम कस्टम पर अपना यूज कर सकते हैं, है ना. और क्लियर? तो इस टाइप से हम दिखाते हैं. 3 मिनट बचा हुआ, सब हो पाएगा फिल्टर में. अगर यहाँ पे जाके अगर मैंने कहा इसमें 3 करेक्टर वाला दिखाओ, तो देखो केवल 3 करेक्टर वाला दिखाया, है ना. और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ DAY और PAS. मैंने कहा इसमें कि 3 करेक्टर वाला उसको दिखाओ जहां पे बीच में एस हो, सॉरी ए हो. तो देखो इसको दिखाया है. ओके. ना लेकिन अगर मैं ऐसे करता हूं तो 3 करेक्टर वाला सब दिखा रहा है. तो ये हमें डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर हम एक उसको बता देंगे भाई. हाँ, जो हमें माने रिक्वायरमेंट होगी उसके अनुसार हम देंगे, ठीक है. इसके अलावा एक चीज फटाफट और करता हूँ जो 2 मिनट में हो पाएगा. अब जैसे यहाँ से कलर इसको वाला दिखाओ, जो सेल की कलर है इसको दिखाओ, फिर फिल्टर बाय जो फॉन्ट की कलर है रात उसको दिखाओ, ठीक है. अगर यहाँ पे मैंने लिख लिया 16 32 24, एक मिनट में खत्म कर रहा हूँ. ए स्टार स्टार, अगर इसमें मैं जाके स्टार दूंगा तो ये सब दिखाएगा. दिखा रहा है ना. मेरा क्वेश्चन है कि इसमें से मुझे उसको दिखाना है जहां पे स्टार हो, तो स्टार में तो आ जाएगा सारे आ रहे हैं. तो यहाँ पे हमें टिल्ड स्टार करना पड़ेगा. अच्छा, टिल्ड स्टार ये साइन होता है ना, टिल्ड कोने में जो है. हाँ हाँ, उसके साथ लगाओगे स्टार. हाँ हाँ, टिल्ड का मतलब क्या होता है भाई? ये तो मुझे भी पता नहीं है क्या है, लेकिन आज तक इसका यूज तो आपने करते होगे. टिल्ड का मैंने कभी यूज नहीं. चलो आज यूज हो गया, ठीक है. इसका यूज कम होता है लेकिन ये टिल्ड अच्छा लेकिन बड़ा. हाँ, तो ये टाइम होने वाला है, ठीक है. 1 मिनट बच रहा, तो बंद करो अभी. हाँ बंद करो सर, कोई नहीं.
बंद कर दो। आसम का मन भर गया है, फट फट गया। मन नहीं भर गया सर। अरे टाइम टाइम देना, ठीक है? मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, करोगे हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, कोशिश करो।